चैनल एंजिनियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों का स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगी और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें 5 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और प्लस 4 करना है। तो 5 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए और प्लस 4 कर लीजिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। इस डिज़ाइन को हमें रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, ये राइट साइड है, जिस तरह से ये राइट साइड से दिखता है और इस तरह से रॉन्ग साइड से दिखता है। टोटल 4 रोज का डिज़ाइन है और 4 रो में बनकर तैयार हो जाता है। तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया है और जिस तरह मैंने डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट किया था, वैसे ही आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट सिलाई हमें रॉन्ग साइड से स्टार्ट करनी है और हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट होगा। तो आइए मैं आपको डिज़ाइन की पहली सिलाई डालकर दिखाती हूँ। इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो डिज़ाइन की फर्स्ट सिलाई देखिए हमें किस तरह से डालनी है। रॉन्ग साइड से पहली सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो आइए पहली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। पहली सिलाई हमने पूरी रॉन्ग साइड से उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई पर। इसे हमें पूरी सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करना है। एक सिलाई हमारी उल्टी और एक सीधी। टोटल 4 रोज का डिजाइन है, इसमें 2 सिलाइयाँ हमारी सादा हैं। तो आइए इसे पूरा सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हम डिज़ाइन की तीसरी सिलाई पर आ गए हैं। 2 सिलाइयाँ हमारी एक उल्टी और एक सीधी थी। अब देखिए इसमें हमें अपना डिज़ाइन डालना है। इसमें हम देखिए इस तरफ से 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 2, ये 3 और ये 4। देखिए धागा आगे करेंगे और एक फंदे में से हमें 5 फंदे बनाने हैं। देखिए, 1, धागा को इस तरह से सिलाई से घुमाया, 2, ये बुना, 3, फिर से घुमाया, 4 और ये फिर से बुना, 5। एक के 5 फंदे बना लिए हमने, धागा पीछे किया, फिर से 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1, 2, 3 और देखिए 4। फिर से धागा आगे किया, एक में से 5 फंदे बनाए, 1, धागा घुमाया, देखिए इस तरह से 4 और देखिए 5। एक में से 5 फंदे बना लिए, धागा पीछे किया, फिर से 4 फंदे हमें सीधे सीधे बनाने हैं और ये 4। देखिए धागा आगे किया, एक में से 5 फंदे, 1, थोड़ा ढीला ढीला बनाए, एक में से 5 फंदे, 3, देखिए 4 और ये 5। 5 फंदे बन गए, धागा पीछे किया, फिर से 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 2, 3 और ये 4, धागा आगे किया, एक में से 5 फंदे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। धागा पीछे किया, 4 फंदे सीधे, 3 और ये 4। फिर से धागा आगे किया और एक में से 5 फंदे, 1, 2 और ये 3, 4 और ये 5। धागा पीछे किया, आखिरी के ये 4 फंदे सीधे बना लेंगे, ये 4। डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड से। अब आते हैं चौथी सिलाई पर। देखिए अब हमें क्या करना है, ये हम अपने 3 फंदे उल्टे बना लेंगे जो इस साइड से उल्टे हैं। देखिए इस तरह से, अभी एक उल्टा फंदा और 2 फंदे इसमें से ले लेंगे जो हमने 5 बनाए थे। इस तरह से देखिए लेंगे और इन्हें हमें आगे की साइड से, देखिए इस तरह, पहले हम धागा पीछे कर लेंगे अपना और आगे की साइड से 3 का 1 कर देंगे। देखिए अब ये 3 फंदे जो बचे हैं हमारे, इन्हें देखिए हम पीछे की साइड से 3 का 1 करेंगे। ये देखिए धागा आगे किया, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया, 1 फंदा ये उल्टा वाला और 2 इसमें से लेकर आगे की साइड से 3 का 1 करेंगे। देखिए
इस तरह से देखिए तीन का एक कर दिया, और ये तीन बचे हैं जो, इन्हें पीछे की साइड से तीन का एक कर देंगे। देखिए इस तरह से धागा आगे किया, तीन फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे किया, तीन फंदे ये आगे की साइड से, देखिए इस तरह से तीन का एक, ये वाले पीछे की साइड से धागा आगे किया, तीन फंदे उल्टे। इसी तरह से हमें अपनी पूरी सिलाई बनानी है। टोटल हमारी ये चौथी सिलाई चल रही है और चार सिलाइयों का ही ये हमारा डिजाइन है। देखिए ये पीछे की साइड से, देखिए धागा आगे किया, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे किया, फिर से ये तीन फंदे आगे की साइड से, देखिए तीन का एक, और देखिए ये पीछे की साइड से तीन के एक, धागा आगे किया, और ये आखिरी के चार फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये फोर्थ रो में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब रॉन्ग साइड से हम अपनी वन रो से फिर अपना डिजाइन स्टार्ट कर देंगे, और इन्हीं फोर्थ रो को इस तरह से बार बार रिपीट करते जाएंगे, और हमारी डिजाइन ये कुछ इस तरह से बनकर आएगी। अगर आपको मेरी डिजाइन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।